नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की एक बड़ी खबर से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। कलेक्टर छवि भारद्वाज के निर्देशन पर लगातार हो रही अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही। अवैध शराब की बिक्री पर आज सुबह से ही जबलपुर पुलिस की नजर थी। यही वजह है कि पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात होकर अवैध शराब बिक्री की रोक पर जुटा हुआ था। आज दोपहर बेलबाग थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बाई का बगीचा इलाके में एक युवक अपने घर से देशी और अंग्रेजी शराब बेच रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर शराब बेचने वाले युवक के घर पर छापा मारा तो पाया कि आरोपी युवक विश्वास सोनकर अपने घर की नाली में देशी और अंग्रेजी शराब छिपा कर बेच रहा था। बेलबाग पुलिस ने आरोपी के पास से 100 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की। बरामद की गई शराब की कीमत 50,000 से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी से शराब जब्त कर उसे आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि जिला निर्वाचन अधिकारी छवि भारद्वाज के निर्देश पर इन दिनों अवैध शराब की धरपकड़ के लिए जबलपुर पुलिस एक अभियान भी लगातार चला रही है। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। अवैध जो गतिविधियां हैं उस पर पुलिस की पैनी निगाह है। इसी को देखते हुए अवैध शराब की एक जखीरा थाना प्रभारी विभाग द्वारा पकड़ा गया, जिसमें करीब 100 लीटर शराब विश्वास सोनकर के पास जब्त की गई है। उसमें हम 34(2) एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। यदि इसके पूर्व अपराध भी होंगे तो उसको भी निकलवा रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी लखनादौन से। कन्या आश्रम को बदनाम करने की रची किसी ने साजिश। सिवनी लखनादौन ब्लॉक की सबसे बड़ी कन्या आश्रम आधे गांव में, जिसमें कुछ दिनों से अफवाह फैलाई जा रही है कि आश्रम से बच्चियां भाग रही हैं, जबकि ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला। जिस बच्ची के नाम अफवाह फैलाई गई, वह अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी और आश्रम प्रबंधन को सूचित करके गई थी, जिसकी जानकारी आश्रम अधीक्षिका श्रीमती प्रजेश पंद्रे को स्वयं उस बच्ची ने दी। और जब अधीक्षिका ने खुद अपनी सहमति जाहिर की, तब जाकर उक्त बालिका अपने पालक के साथ किसी रिश्तेदार के घर यानी आधे गांव गई थी, जिसे एक साजिश के तहत श्रीमती प्रजेश पंद्रे अधीक्षिका आदिवासी कन्या आश्रम आधे गांव को बदनाम और इस आश्रम से हटाने का एक षड्यंत्र रचा गया। और इस षड्यंत्र का शिकार श्रीमती किरण नेमा एवं श्रीमती प्रजेश पंद्रे को होना पड़ा, क्योंकि उक्त कार्यवाही आनन फानन में हुई। अगर न्याय उचित जांच की बात की जाए तो सारा मामला सामने आ सकता है, क्योंकि अगर हॉस्टल से अगर लड़की भागती है तो पालकों द्वारा थाने जाकर शिकायत की जाती, जबकि ऐसा कोई मामला आधे गांव थाने में पंजीबद्ध नहीं किया गया, जिससे यह साफ जाहिर होता है ना ही किसी बच्ची के पालकों को कोई तकलीफ हुई है और ना ही ऐसा घटनाक्रम हुआ है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सिवनी लखनादौन से बालमुकुंद सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम गोविंद साहू है। अच्छा, आपकी बेटी का? बेटी का नाम अंजलि साहू है। अच्छा, कहाँ पढ़ती है वो? आधे गांव हॉस्टल में। हाँ, क्या है घटनाक्रम? घटनाक्रम यह है कि जिस शादी के कार्ड शादी में आए थे हम लोग जी, हम लोग उसको ले जा ली शादी में। हाँ, थावत में हमने उसको छात्रवास में पहुँचा दिए। अच्छा, उसके बाद उसने पेन भूल गई थी, मात्र 5 मिनट का गेट खुला था तो गई थी वो रघुवीर साहब के यहाँ। बस यही घटना है बस। तो आपने हॉस्टल प्रबंधन को सूचना दे के ले गए थे अपनी बच्ची को या वैसे ही ले गए थे? लेकर ले गए थे। मैडम से बताए थे आपने? हाँ, मैडम से बताए थे। अच्छा, दूसरे दिन क्या बोल, उसने पेन भूल गई थी वहाँ, मात्र पेन के लिए भर गई 10 मिनट का, तुरंत वापसी आ गई थी। अच्छा, चलिए ठीक। हाँ मैडम, क्या है मामला बताएं कुछ। 11 तारीख को एक लड़की सुबह नाश्ता करके वो अपने बड़े पापा के यहाँ गई थी जी, और दूसरी लड़की 2 बजे अपने दादा के यहाँ गई, दादी के यहाँ गई थी बहन से मिलने के लिए जी। तो ये एक अफवाह फैली है कि लड़कियाँ छात्र आश्रम से भाग रही हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जी। और सब जानकारी ये लड़कियों की जानकारी मेरे नॉलेज में है। तो उन्होंने आपसे परमिशन ली, लेके गई थी
बताया था? हाँ, मम्मी पापा दोनों आए थे और दोनों ने परमिशन लेकर लड़कियों को ले गए। अच्छा, और ये आदिवासी आश्रम की बच्चियों को ऐसे बदनाम करने के लिए इस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही, नाबालिग लड़कियों की, लड़कियां आश्रम से भाग रही हैं। मैं वहाँ पर भी अधीक्षक थी, यहाँ भी अधीक्षक होकर आई हूँ, मात्र एक मास हुआ है। और यदि मैं किसी बच्ची को ऐसे परेशान करती तो इस संस्था में 12 साल में पूर्व में नहीं रह चुकी होगी। और इस झूठी अफवाह के कारण पूरा विभाग, पूरी संस्थाएं और पूरे अधीक्षक एक तौर से बदनाम हो रहे हैं। कोई भी ऐसी हरकतों के कारण संस्था में अधीक्षक के पद में कार्य नहीं कर पाएगा। तो आपको आपको बदनाम करने की साजिश है? बदनाम करने की साजिश है, बदनाम करने करके और वो किया जाए। मैडम, इसमें एक अफवाह और उड़ रही थी कि आदिवासी कन्या आश्रम में लड़कियों को परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। मेरे द्वारा बच्चियों को किसी प्रकार से कोई परेशान नहीं किया जा रहा। बच्चियों को तो मैं अपने अपने बच्चों से आकलन करके उनको रखती हूँ सुरक्षित। हाँ, ये है कि बच्चियों को थोड़ा अनुशासन के लिए बोला जाए कि बेटा बगैर परमिशन के मत जाओ, कहीं यहाँ मत जाओ, तो ये टॉर्चर करना नहीं है। ये अनुशासन बनाने के लिए बच्चों को गाइडेंस देना है। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। सिवनी जिले में होली के दूसरे दिन भी काफी अच्छा माहौल देखने को मिला और यह माहौल पंचमी तक देखने को मिलेगा। सिवनी जिले में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में होली का काफी अच्छा माहौल रहा है और सभी होली के रंग रंगे हुए हैं। काफी लंबे समय से एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने की परंपरा चली आ रही है, ऐसा ही कुछ सिवनी जिले में देखने को मिला। लोग बैंड बाजे में नाचते हुए दिख रहे हैं और घर घर जाकर होली की रस्म को पूरा कर रहे हैं, फगुआ मार रहे हैं। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सिवनी से अजय रैदास की रिपोर्ट। होली का माहौल और किस तरह से आपने होली बनाए? हम लोग हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी, इस वर्ष आचार संहिता के कारण थोड़ा सा कम माहौल है, पर पिछले साल जो है हम लोगों ने बहुत धूम धड़ाके से होली का हृदंग किया और इस साल थोड़ा सा डाउन है क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अपना हाँ, तो वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से, और हर जगह पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और हम लोग उनके नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, इसलिए होली का हृदंग हमारा भी थोड़ा सा। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद से। अज्ञात महिला की ट्रेन से कटकर मौत। थाना महमूदाबाद के ग्राम उनेरा में एक अज्ञात महिला ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समाचार लिखे जाने तक महिला की पहचान एवं मौत के कारणों का पता नहीं चल सका, पुलिस जांच कर रही है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर महमूदाबाद से महबूब अली अंसारी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर इमलिया सुल्तानपुर से। चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने गांव में किया फ्लैग मार्च। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए व धौरहरा लोकसभा चुनाव में होने वाली राजनीतिक उथल पुथल को देखते हुए थाना प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र के कई गांवों में फ्लैग मार्च कर कानून व्यवस्था की सक्रियता को लेकर सजगता और निष्पक्षता के साथ चुनावी माहौल में लोगों को किसी भी प्रकार की घबराहट व भय न रहे, लोगों के बीच कानून व्यवस्था का राज कायम रखने व न्यायपालिका के प्रति लोगों में विश्वास को बढ़ाने के साथ ही साथ किसी भी प्रकार की घटना न घटित हो सके और लोग चुनावी माहौल में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इसके लिए थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था को बनाए रखने और ग्रामीणों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए नेतृत्व में कस्बा इमलिया सुल्तानपुर, काजी कमलापुर, शहादत नगर, टिकराजार, कमोलिया, गंगापुर, केशवपुर, बसेती आदि कस्बा व गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर से महबूब अली अंसारी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। नमस्कार।